डाल दी मैंने, मुझको अभी सोया ना इसलिए मैं थोड़ा कम आवाज़ में बात कर रही हूँ। अब देख सकते हैं पुचको कितने प्यारे ढंग से सोया हुआ है, बिल्कुल कम्बल उम्बल उड़ के, और पूरा मैंने उसको ढक रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों पुचकू और मैं जो है शीशे में देख के एक दूसरे को मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेन में सामने शीशा भी लगा हुआ है, तो हम दोनों की मस्ती आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो है पुचकू सो गया और मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। पुचकू मैंने सुला दिया, वो जो ना काफ़ी परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको सुला देती हूँ और थोड़ा सा वीडियो शूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद नींद आ गई तो फिर उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो दोस्तों अभी हमारा लंच हो रहा है, तो लंच में मैं घर से पूरी और थोड़ा सा रोटी बना के लाई थी और ये आलू बच गए, तो अभी हम लोग खाएंगे। और साथ में हमने जो है यहीं से अंदर से ही कैंटीन है, तो वहाँ से दही ले लिया है, तो अब हम खाएंगे आलू पूरी। और मुझे ना सफ़र में आलू पूरी खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, पहले से ही है जब मैं छोटी थी तब से ही, मतलब मुझे आलू पूरी सफ़र में और कुछ नहीं खाना, मुझे बस आलू पूरी ही पसंद है। सुबह टाइम भी ना, शाम को ना मुझे टाइम भी नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मुझे आलू पूरी बनाया मैंने, कुछ हो गई वैसे रोने में था ना। तो दोस्तों अभी नागपुर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं, और अभी यहाँ पर ट्रेन जो है काफ़ी देर से रुकी हुई थी तो अब निकल पड़ी है, तो मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और वीडियो शूट करने की भी मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी वीडियो शूट हो जाए। ये कौन है पर्दे के पीछे? कुछ को क्या लेके आ गया अपने लिए? कुछ को अपने लिए तो बहुत कुछ लेके आ गया, फ्रूट्स भी लेके आ गया। और ये है, ये क्या है? ये है ऑरेंज बर्फी, ऐसा भी तो फिलहाल चल रहा है। ये ऑरेंज बर्फी काफ़ी फेमस है यहाँ की, नागपुर की, और जब भी हम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो हमेशा ये ऑरेंज बर्फी खा रहे हैं, ऑरेंज बर्फी खाते हैं। तो आज जो है मैं स्पेशली मैं लेके जा रही हूँ ये अपनी ननद के लिए, क्योंकि उन्होंने नहीं खाई है, तो मैं भी उन्हें आज खिलाना चाहती हूँ ये ऑरेंज बर्फी, तो मैं स्पेशली उनके लिए ही लेके आई हूँ आज ये। अब उन्हें पसंद आती है या नहीं जब वो खाएंगे तभी पता चलेगा। हप्पू हप्पू नहीं करो, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, पुचकू और वो यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब ये पुचकू ने कम्बल ओढ़ा है या आपने कम्बल ओढ़ा है? पुचकू को नहीं ओढ़ा रहे हो कम्बल? उसको भी ओढ़ाओ कम्बल। हाँ ये गुड। और ये है,
तो दोस्तों हम लोग बैठे हुए हैं सेकंड एसी में, और ये है गौरा का फ्रूट निबलर। मेरा नानी है वो पुचकू का है। तो हस्बैंड और पुचकू तो अलग बेड ले रखा है और मेरा ये है। तो हमने जो है लोअर बर्थ ले रखी है सीट, और ये देख सकते हैं हमारे खाने पीने का आइटम। नहीं खा रहा ऐसी दोनों, मैं भी ऐसी चूसूंगी। क्या हुआ, क्या फेंका नीचे? मैंने नहीं फेंका है, ये मैंने नहीं फेंका, आपने फेंका है। खा पी के नीचे गिर जाते हो। देखो पुचकू ट्रेन में भी मोबाइल चाहिए उसको। नहीं पुचकू देखो मोबाइल के लिए टची टची, उसको मोबाइल नहीं देना। नहीं पुचकू ना। कितनी चाय पियोगे यार अभी? पांचवी बार की छठी बार की चाहिए भैया? कितनी चाय पिलाते हो आप इनको? तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल, और ये अभी बचे हैं रात के, बताती हूँ मैं टाइम कितना हो रहा है। तो अभी बचे हैं, अभी हो रहा है टाइम 5:08। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:15, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल, और यहाँ पर शायद 5 मिनट या 10 मिनट रुकेगी, उसके बाद हम निकलेंगे। तो शायद ये ज़्यादा रुकने वाली भी नहीं है, शायद 2 ही मिनट रुकी और यहाँ से निकल रही है। और ये देख सकते हैं आप, तो हम निकल चुके हैं भोपाल से। ये ना थोड़ा सा खिड़की ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो इस वजह से बाहर का क्लियर नहीं दिख पा रहा। इतनी ज़्यादा धूल हो रही है ना बाहर से, अंदर से होती तो मैं थोड़ा क्लीन कर दी, लेकिन बाहर से हो रही तो काफ़ी गंदी हो रही है। इस वजह से जो है बाहर का ना कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। ये जितना हो सके मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छा रहा मौसम, और हमारा बैग भी पैक हो चुका है, जितना हम लोगों ने सामान लिया। बस एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं पूरा पैक पैक हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। पुचकू ने ना कल शाम से बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मतलब अच्छे से आया, सोया भी था और बिल्कुल परेशान नहीं किया, और मतलब अच्छा रहा। थकान इतनी हो जाती है ना, लंबा सफ़र है काफ़ी, 32 घंटे का सफ़र है, इतनी थकान हो रही है ना। तो कल रात मुझे नींद आई थी और अभी थोड़ा नींद आ रही है मुझे, कुछ कुछ हो जाएगा तो मुझे भी नींद आ जाएगी, बहुत थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी तो इतना लंबा सफ़र होने वाला है हमारा, और कुछ को के पापा घुमाने लेके गए हैं, देख सकते हैं मैं ही अकेली हूँ यहाँ पर बैठी हुई हूँ। थकान हो रही है ना बिल्कुल, ऐसा मन कर रहा है कि कब मैं सो जाऊँ। दोस्तों मुझे ना बिल्कुल बोलने की भी ताकत नहीं है, जब मैं अब दिल्ली पहुँचूँगी तभी आपसे मिलूँगी। शायद दिल्ली हम लोग सुबह 5 या 6 बजे पहुँच जाएगी, शायद टाइम तो वैसे 5 बजे का है, कभी जो है 6 बजे भी पहुँचा देती है, और कभी 5:30 बजे, मतलब कोई टाइम नहीं, कभी लेट हो जाती है, कभी जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब से मैं गई हूँ तब तो हमेशा 5 या 10 मिनट लेटिंग रहती है। फिलहाल एक बार फिक्स टाइम पर पहुँच जाए तो मैं जो है सुबह का वीडियो शूट कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी जल्दी में। तो दोस्तों अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है, हस्बैंड तो सो गए हैं बिल्कुल, और लाइट भी ऑफ हो गई है, मैं और पुचकू ही बैठे हुए हैं। ये दिख रहा है